बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंटरेस्टेड पार्टी की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो पेपर शुरू किया था ईटा जूनियर क्लर्क का, आज उस सिलसिले में पार्ट 3 अपलोड कर लेते हैं। और ये पेपर जूनियर क्लर्क के ईटा के जरिए जितने भी पेपर्स होते हैं उन तमाम के लिए यकसा मुफीद है। लेकिन आजकल KPK सिविल सेक्रेटरीट पिशावर में है और पुलिस डिपार्टमेंट में जूनियर क्लर्क के जो असामियां आई हैं उसके लिए ये वीडियोस बना रहा हूं। तो उसका सिलेबस आपको दिखा लेता हूं। सिलेबस तो मैं पहले भी डिस्प्ले कर चुका था, लेकिन वंस अगेन देखें, ये KPK पुलिस डिपार्टमेंट 2020 के पेपर का सिलेबस है। इंग्लिश के 40 मार्क्स होंगे, 40% मैथमेटिक्स, 15% जनरल नॉलेज, 15 कंप्यूटर IT 10% है, पाकिस्तान स्टडीज 10% है और इस्लामियात के 10% क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और एक और इस बारे में कि इस का जो लास्ट डेट था उसको एक्सटेंड कराया गया है 8 सितंबर तक। ये देखें, अब जिन दोस्तों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो वो 8 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। ये KPK पुलिस खैबर ख्वाह जूनियर क्लर्क की जो भर्ती थी उसकी पहली लास्ट डेट 31 अगस्त थी और अब वो 8 सितंबर तक उसमें तौसी की गई है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 17 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखें, ये वाला 3x जमा 6y जमा 4x ये बराबर है किसके? ये देखिए, इसमें ये 3x और ये 4x आपस में जमा हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 7x, 7x और जमा 6y, ये इसका आंसर है, जमा 6y। तो अब देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। ये तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एक्स रेस टू पावर 3, ये यहां पर ये 3 है, एक्स की ताकत 3 64 के बराबर है, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो ये एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं देखिए जरा। यहाँ क्वेश्चन हमें दिया गया है कि x की ताकत 3 है, तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 64 को? ये हम इस तरह लिख सकते हैं 4 की ताकत 3, तो इनकी ताकत आपस में बराबर हो गई तो x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इस ऑप्शन सी है। और क्वेश्चन नंबर 19 थे के 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड विद द डिमाइस ऑफ एम्पायर। इस बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताता चलो। मुगल खानदान का बानी जहीरुद्दीन बाबर थे। कौन थे? जहीरुद्दीन बाबर, जिसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर मुगल सुल्तनत की बुनियाद रखी थी। तो ये भी पता चले कि जहीरुद्दीन बाबर मुगल दौर के बानी थे। और ये सिलसिला 1758 तक, मुगल दौर 1758 तक है, 1526 से 1757, 58 नहीं 57 है सर, 1757 तक, ये टोटल बनते हैं 331 साल। ये क्वेश्चन आता है कि मुगल हुक्मरानों ने कुल कितना अरसा हुक्मरानी की है, तो 331। और मुगल दौर के टोटल शहनशाह या बादशाह या सुल्तान रूलर जो थे वो टोटल 17 थे, ये भी याद रखने की बात है। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर थे और बहादुर शाह जफर के साथ मुगल सुल्तनत का डाउनफॉल शुरू हुआ था। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है।
क्वेश्चन नंबर 20 को स्किप कर ले, ये आपके रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। 21 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस से इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड लेटर। यहां अक्सर जो हम एप्लीकेशन लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, आखिर में लिखते हैं कि यूअर ओबीडियंटली, तो उसमें ये देखिए ए वाला यूअर्स ओबीडियंटली, यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है यूअर्स। ऑप्शन बी में क्या गलती है? ऑप्शन बी में ये ओ कैपिटल लिखा गया है, ये गलत है। ऑप्शन सी में यहां पर कामा लगाया गया, ये गलत है। और ऑप्शन डी में दो गलतियां हैं, ये कामा भी गलत है और ये कैपिटल ओ भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। एक्टिव पेशियों के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। समवन हैज ब्रोकन यूअर पिन, किसी ने आपके पिन को तोड़ा है। तो पहले तो आपने देखना है कि सेंटेंस किस टेंस में है। यहां पर जो टेंस इस्तेमाल हुआ है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और हैज के साथ बीन लगाना है, हैज के साथ बीन लगाना है। हैज और हैव, आई यू और वी, आई यू एंड वी, इन तीनों के साथ हैव लगेगा। ही शी इट, इसके साथ हैज लगेगा। तो जिस तरह यहां पर लगा हैज लगा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, योर पिन हैज बीन ब्रोकन बाय सम वन। क्वेश्चन नंबर 23 देखे, 23 नंबर क्वेश्चन, डेंटल एमलगम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन लिक्विड इन लिक्विड, ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 24 देखे, क्वेश्चन नंबर 24, ये फिजिक्स से रिलेटेड है। वर्क डन विल बी जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन द पोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन, केमिकली एंटीबॉडीज आर प्रोटीन है, ऑप्शन सी है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू कैसे फाउंड करनी है? तो इंतहाई इजी है, देखिए दोस्तों, 2x-6, तो 2x एक्स 6 को उस तरफ ले जाएं तो ये 6 बन जाएगा और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 2 = 3। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, इज अ करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 27 है कि 27 नंबर क्वेश्चन को, 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है लेकिन फिर भी, 3/8 × 40 तो ये भी तो मुश्किल काम नहीं है। 3/8 × 40 बस इसी को हल करना है, 3/8 × 40 तो 40 8 के साथ क्रॉस हो जाएगा 5 के, 8 × 8 और 5 × 8 = 40, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 × 15 = 15 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।